मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत मिले गोवंशीय पशुओं के अवशेष की घटना का थाना भोजपुर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन व पशु काटने के उपकरण पुलिस टीम द्वारा बरामद किए गए हैं। बता दें कि 18 व 19 जुलाई की रात्रि को थाना भोजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इस्लाम नगर के जंगल में अवनीत के खेत के पास अज्ञात लोगों द्वारा गोवंशीय पशुओं को काट कर गोमांस ले जाने की घटना घटित की गई थी तथा घटनास्थल पर गोवंशीय पशुओं के अवशेष पुलिस को मौके पर मिले थे, जिसके संबंध में थाना भोजपुर पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी। इस मामले में भोजपुर थाना पुलिस ने चार आरोपी गुलाम नबी पुत्र फरीद निवासी गांगनवाली मेनाठेर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, मूल निवासी ग्राम लालपुर गंगवारी थाना मेनाठेर जनपद मुरादाबाद, समीर पुत्र फरीद निवासी गांगनवाली मेनाठेर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद, मूल निवासी ग्राम लालपुर गंगवारी थाना मेनाठेर जनपद मुरादाबाद, नदीम पुत्र अक्रम निवासी टोडीपुरा थाना टांडा जनपद रामपुर हाल निवासी रहमत नगर थाना कटघर जनपद मुरादाबाद व सलमान पुत्र फुरकान निवासी मोहल्ला असालतपुरा मीना मस्जिद थाना गल शहीद जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से पशु काटने के उपकरण 3 छुरी, 1 लोहे की रॉड व 1 रस्सी तथा घटना में प्रयुक्त वाहन 1 स्कूटी होंडा एक्टिवा व 1 कार बरामद की गई। पकड़े गए आरोपियों में गुलाम नबी, समीर, नदीम व सलमान ने पुलिस को बताया कि हम सभी लोग गौकशी कर उनके मांस को बेचकर पैसा कमाते हैं। गुलाम नबी व समीर ने बताया कि हम दोनों भाई मिलकर 1 स्कूटी से सड़क के किनारे घूम रहे आवारा गोवंशीय पशुओं की रैकी करते हैं तथा गोवंशीय पशुओं के अवैध कटान के लिए स्थान चिन्हित करते हैं। इसके बाद हम अपने साथी नदीम व सलमान के साथ मिलकर रात के अंधेरे में सड़क किनारे घूम रहे आवारा गोवंशीय पशुओं को जबरन जंगल की तरफ ले जाते हैं और पूर्व से चिन्हित स्थान पर गोवंशीय पशुओं को काटकर उनके मांस को नदीम की गाड़ी में रखकर इधर उधर अच्छे दामों में बेच देते हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। ये भोजपुर थाना के अंतर्गत 18/19 की रात में इस्लाम नगर में एक गौकशी की घटना हुई थी, उसमें अभियोग लिखा गया था, जो अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ लिखा गया था, उसमें तत्काल पुलिस ने सारे एविडेंस क्लोज किए, सीसी कैमरे देखे, कुछ लोग प्रकाश में आए, उसके आधार पर पुलिस ने दबिश देके 4 लोग को पकड़ा है और उसमें से गुलाम नबी, समीर, नदीम और सलमान नाम के व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे जो भी असलाहा हैं, जो छुरी, लोहे की राड, रस्सी वगैरह और 1 एक्टिवा मोटरसाइकिल और 1 कार भी बरामद की, जिससे ये जो है जो उसको लेके जाते हैं। उन लोग का प्रूफ में भी क्रिमिनल इतिहास है और उन्होंने अपनी घटना को स्वीकार किया। क्या कर इनके द्वारा पहले भी ऐसे कुछ घटना? हाँ, इसमें इनके और इनके पिताजी के खिलाफ भी कई मुकदमे हैं और इनके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं, जिसमें जो कि मैं प्रेस नोट में आपको दे रहा हूँ, काफ़ी मुकदमे इनके पास पूर्व पे भी पंजीकृत हैं।